तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाह स्नेह प्रसाद जी, वाह चमकता हुआ चेहरा आ गया, तो खुशी लेके आए लग रहा है स्नेह प्रसाद हैं। तो स्नेह प्रसाद जी स्वागत है, दानीनाथ झा जी, पल्लवी जी, प्रदीप चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमारे कुछ साथियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही सफलता का दिन, और वो जो अभी घर आए हैं बैंक के बाद बहुत सारी खुशियां लेके आए हैं। तो आप सभी को, आपने जो सफलता हासिल करी पिछले दिनों, जो आपने कड़ी मेहनत की, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए गौरव दिलाया, क्योंकि सफलता के मायने जो होते हैं ना, बहुत ही अहम होते हैं अपनी जिंदगी में। हम काम तो करते हैं, लेकिन अगर सफलता साथ में मिलती है, और जिस लक्ष्य और मिशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हमने अपना करियर बनाया है, अपना जीवन न्यौछावर किया है, जिस बैंकिंग इंडस्ट्री को, उसमें अगर हम अपने कदमों से, अपनी काबिलियत से, अपने उत्साह से, अपने ज्ञान कौशल से अगर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज जो हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथियों का रिजल्ट निकला, और अभी जब ऑफिस से हम आ रहे थे, तो बहुत सारे साथियों का फोन आया, तो मैंने कहा कि स्क्रीन पर मिलेंगे, बात करेंगे, उनको डायरेक्ट बधाई देते हैं। तो देखते हैं कोई साथी जुड़े हैं, तो हम उनसे सीधे बात करेंगे। तो वाह स्नेह प्रसाद जी जुड़े हैं, दानीनाथ झा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन आपका। दानीनाथ जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। Yes। क्या अनुभव है आपके लिए, क्या सफलता के मायने हैं, जरा साझा करिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका सर बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर, क्योंकि क्या बात है, पिछले साल से लेकर के, और पिछले साल भी प्रमोशन एग्जाम में दिया था, लेकिन हो सकता है कुछ कारण से नहीं हुआ हो, लेकिन इस बार सर और भी डबल उत्साह के साथ और डबल लगन के साथ, और आपका सर मार्गदर्शन जो जितना मिलता रहा सर, उतना मतलब उतना ही काफी है सर, आपका मार्गदर्शन ही बहुत काफी है, क्या बात है, इसलिए क्या बात है, आपके चेहरे से उत्साह भी नजर आ रहा है। सबसे पहले मेरी बहुत सारी बधाइयां स्वीकार करिए, आपने थैंक यू अपने सर। परिवार में खुशी लाया है, और अपने हौसला बढ़ाया है, खुद आपने हौसला बढ़ाया है, और नई जिम्मेदारी को जो है निभाने के लिए आप बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं, और ऐसे दिख भी रहे हैं। तो साथ में हमारे एक होनहार साथी और जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर स्मार्ट लग रहे हैं, स्नेह प्रसाद जी हैं, जबरदस्त लग रहे हैं, झारखंड राज्य जी ग्रामीण बैंक, स्नेह प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका पहला कमेंट यस, क्या होगा आज की सफलता पर? बहुत बहुत सर, इसका सर 100 में 100% शेयर, 120% सर श्रेय आपको देंगे सर, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते सर, क्योंकि सर आपका सहयोग, आपसे आपका लास्ट इतना अच्छा रहा कि इसलिए हम, जब हम इंटरव्यू को तैयारी कर रहे थे तो हमको बहुत ठीक लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, प्लस का था, किस तरह से तैयारी करना, क्या करना, कुछ पता नहीं था, ठीक है। इवन सर हमको जब एग्जाम का टाइम था तो हमको ये भी नहीं पता था कि कितने मार्क्स का जीके आएगा, मिस बैंकिंग के बारे से, और कितने नंबर का इंग्लिश आएगा, ये भी हमको पता नहीं था। लेकिन आपके साथ जुड़ने से, और इतना कम टाइम में आपके साथ जुड़ने से, और आपके नोट्स, आपके जो वर्ड्स वो भी हम बताते गए, ऐसे ऐसे करते गए, वो इजी हो गया सर कि हम बता सकते हैं सर। हम आपका शेयर करेंगे सर, हम जो एग्जाम दिए थे ना, मेरा एग्जाम में मात्र इंग्लिश ओनली लेके मात्र मेरा 7 क्वेश्चन ही गलती हुआ था सर, मात्र 7 क्वेश्चन, इसमें हमको पूरा इंश्योर था कि मेरा एग्जाम इस बार आपके कृपा से निकलेगा, ये क्या तो बात है, टोटल श्रेय हाँ आपको ही जाता है सर। सब आप ये बड़ी तो कृपा श्रेय है सर, आपका है, आपने बहुत लेकिन कड़ी आप मेहनत अगर नहीं करी, होते। और पिछले दिनों आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, मैं लगातार देखता था, स्नेह प्रसाद हो गए, दानीनाथ झा हो गए, और भी बहुत सारे साथी जो आज शायद स्क्रीन पर नहीं है या आज के सेशन में नहीं है, हो सकता है जश्न मना रहे होंगे और उनका प्रमोशन का रिजल्ट निकला है, लेकिन आप लोग जो मेहनत किए, रात को 11 बजे भी सेशन में आ जाते थे, और मॉक टेस्ट जो मैं देता था उसको करते थे। तो दानीनाथ जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम सर 9 अप्रैल को था सर नौ एग्जाम। अप्रैल को। और थोड़ा यस सर, एग्जाम का हमको थोड़ा अनुभव साझा करिए कि कैसे पैटर्न के सवाल आए थे, और इंटरनल और जो जनरल बैंकिंग के हिसाब से थोड़ा सा साझा करिए। इंटरनल बैंक, इंटरनल जो सर सर्कुलर है सर, हाँ उसमें स्पीड रिलेटेड जो जो सर्कुलर है वो पूछा जाता है सर, वो स्टाफ का रिलेटेड। जैसे हम लोगों का एक क्वेश्चन था कि स्टाफ को अभी कितना कितना केजी तक का जो है, ऑफिस असिस्टेंट को कितना केजी तक का जो है सामान ले जाने का ये रहता है। हाँ अच्छा, वो जो ट्रांसफर होता है तब, है ना? ट्रांसफर में सर जी, ओके,
और सर जितना भी ये जनरल बैंकिंग का जितना क्वेश्चन है सर, वो आपका टेस्ट और आपका जितना भी तरीके का जो भी सर आपका पीडीएफ मटेरियल है सर, वो इनफ, मोर इनफ है सर उसमें से। हमारे और एक साथी राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, स्नेह प्रसाद जी से नेटवर्क कट गया था, सभी को बधाई देते हैं। एक फोन आ रहा है, मैं आपको आपकी अनुमति से फोन ले रहा हूँ। हाँ जी हेलो, हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ अनिश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ अभी अभी हम जूम सेशन में ही हैं, आप चाहे तो स्क्रीन पर आ जाइए तो हम आपसे बात कर लेंगे, आपको बधाई भी दे देंगे, है ना? हाँ तो थोड़ी देर बाद जुड़ जाइए, थोड़ी देर बाद जुड़ जाइए, अभी हैं हमारे सारे सारे साथी स्क्रीन पर, मैं लाइव सेशन में बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, थोड़ा देर घर पहुँच जाइए, लिंक क्लिक करके आ जाइए। तो बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने घर जाइए बढ़िया से और खुशियाँ मनाइए। ठीक है ओके, आइए आइए। ये देखिए आपके झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथी हैं और बहुत ही टॉप करके आए हैं, तो सबसे बड़ी मुझे खुशी तो ये लगी कि कितने टफ कंपटीशन के बाद लगभग 0-1 में 8-8 एक कैंडिडेट के लिए, मतलब एक सीट के लिए 8-8 कैंडिडेट थे, उनको पार करते हुए आप सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपकी कड़ी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, आपके लिए बहुत सारी तैयारी जो की है उनके लिए साधुवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और एक छोटा सा कमेंट हम लेते हैं राजू रंजन जी से। राजू जी कैसे महसूस कर रहे हैं? आपका माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। राजू जी कहीं शायद चौपाटी तरफ चले गए लग रहे हैं, पार्टी वार्टी करने। हाँ जी हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पार्टी करने आए हुए हैं सर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम आपका देख लीजिए ढाबा ढाबा साइड बैठे हुए आप, है ना? जी सर, एक्चुअली सर ना मेरा दो दोस्त का साथ में हो गया सर। अरे वाह, एक नवीन गुप्ता सर अपना क्लास लेता है, वो साथ में ही है। Okay. तो दोनों का साथ में हो गया। अच्छा, वी ऑन द क्लॉट सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपने एकदम अपने साथियों के साथ जो है पार्टी के लिए चले गए हैं ढाबा पे, है ना? जी सर। परिवार को लेके जाइए, परिवार को भी जस्ट बनाइए, उनको भी साथ में शामिल करिए। सर अभी वो है नहीं, इसलिए हम लोग अकेले पार्टी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धमाके गए हुए हैं सब। हां और उत्साह होना सर, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा था सर, ये तो नहीं कर पाते सर, ये सही बात है सर। बहुत बढ़िया, डिटेल में क्वेश्चन जो था ना सर, आपका बहुत काम आया सर, लोगों को मटेरियल बहुत काम आया। ओके ओके, और अभी हम जानना चाह रहे थे कि राजू जी आपसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए। सर इंटरव्यू में तो सब कुछ नॉर्मल था सर, एक दो सवाल ऐसा पूछा गया, सर फांसी का पूछा गया था और आरसीटी का पूछा गया था। अच्छा, और बाकी परफॉर्मेंस क्या किए हैं वो सब पूछा गया था सर। और एक नया चीज जेम्स क्या होता है, जेम्स क्रीट। अच्छा, जेम्स जो नया सर लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, जन आधार मोबाइल पेमेंट सिस्टम, वो था सर। ओके ओके, कितने मिनट इंटरव्यू हुए थे आपके? सर अप्रोक्स 5 मिनट का इंटरव्यू था सर। अच्छा, और आपका स्केल कौन सा था, किस स्केल के लिए? स्केल 1-2 था सर। अच्छा, स्किल 1-2 था, तो इसमें आप थोड़ा सा अभी, क्योंकि शायद आप अभी जल्दी शायद आप क्विट कर जाएंगे क्योंकि आप पार्टी में जा रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, है ना? तो हम जानना चाहेंगे कि सवाल जो है 1-2 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, थोड़ा सा साझा करेंगे एक दूसरे। एक्चुअली सर वो क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग लोन का ही रहता है सर, टोटल लोन पे ही रहता है वो लोन, मतलब कि लोन का कैसे लोन करना है और उसको कैसे बिजनेस को बढ़ाना है ब्रांचेस का, ऑन द पॉजिटिव नोट, आप कैसे ब्रांच को बिजनेस दीजिएगा, स्केल टू पहुंचा होने के बाद आप क्या कीजिएगा ब्रांच के लिए, मिलनी वही रहता है सर। ओके, और कितना नॉलेज है आपको एसएमई के बारे में, और एक था सर हाउस लोन के बारे में, कि हाउस लोन के बारे में क्या क्या जानते हैं आप हाउस लोन के बारे में? जी सर, जी सर। अच्छा, मतलब आप रिटर्न एग्जाम की अगर बात करूं तो स्केल 1-2 में हमको जो हमारे बैंक की ऋण योजनाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाने की जरूरत है। जी सर, जी सर, पढ़ना ही पड़ेगा सर, डीपली पढ़ना होगा सर। हाँ, बाकी जो जनरल बैंकिंग के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जैसे केवाईसी है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, वो तो नॉर्मल है सर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसके अलावा इंटरनल में क्रेडिट के जुड़े हुए ऋण योजनाओं को पढ़ के जाने की जरूरत है। जी सर, जी सर, और डीपली पढ़ना होगा सर। क्या पढ़ना है? डीपली पढ़ना होगा, डीपली मतलब क्या, हवा में नहीं पढ़ना, सबको अंदर तक पढ़ना होगा, क्योंकि सर सारे सवाल ना बहुत अंदर से आया था। अच्छा, क्योंकि आपका मटेरियल पीडीएफ पढ़ा था मैं, इसलिए मैं जवाब दे पाया था सर।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं, और हमारे और जो तमाम साथी जो आपके साथ हैं उनको भी बधाई मेरी तरफ से, और स्क्रीन पर बने रहिए। अभी हम बात करेंगे दानीनाथ जी से, या स्नेह प्रसाद हैं, मेरी आवाज आ रही है आपकी स्नेह जी? स्नेह यहीं पे सर। यस सर, यस सर, आ रही है सर। यस हाँ ये सर, स्नेह और हम लोग डेली बात करते हैं सर आपके बारे में, आपका नोट्स के बारे में। यस यस सर, यस सर, यस सर। राजीव सर हमारे मेरे में जिस ब्रांच में था सर, तो वो हमारे सबसे पहले ब्रांच मैनेजर ही रह चुके थे सर। अरे वाह, मेरे गुरु जी है सर। अच्छा, अरे नहीं बाबा, गुरु जी क्या होता है, जस्ट वर्क होता है सर, कैसे काम करते हैं। साथी हैं, साथी हैं आपके, और सिखाए होंगे आपने, काम सिखाया होगा इसीलिए गुरु कह रहा है। तो स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि गुरु इस हिसाब से वो प्यार से श्रद्धा से आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपने काम सिखाया होगा, है ना। और हम कॉन्फिडेंस से इनका होगा ही होगा, हम कॉन्फिडेंस शुरू डे वन से कॉन्फिडेंस थे, इसका होगा ही होगा। ये देखिए स्नेह प्रसाद हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा स्नेह प्रसाद जी से, बताएंगे आपको इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछेंगे स्नेह प्रसाद जी? सर इंटरव्यू में से ना हम हमारे ब्रांच का जो परफॉर्मेंस था सर, इससे ही क्वेश्चन किए गए थे सर मैक्सिमम। ठीक है, कि आपके ब्रांच में क्या क्या लोन रहा है, आप ब्रांच में क्या क्या देते हैं, ठीक है, आपका क्या उसमें कहता कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, और सर अदर क्वेश्चन में हमको दो क्वेश्चन किया गया था, एक हमारे यहाँ थोड़ा सा डिपॉजिट इस मंथ डाउन हुआ था, तो बोले डिपॉजिट डाउन हो रहा तो आप कैसे उसको कहता ओवरकम कीजिएगा, इसलिए पूछा गया था। और सर नॉर्मल क्वेश्चन में मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया गया था, एटीएम व्हाइट लेबल और रेड, ये व्हाइट लेबल ब्राउन लेबल एटीएम में क्या अंतर है, वो तो सर आपने इजीली पढ़ाया तो मैंने इजीली बोल दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, इंटरव्यू बस इसी इसी देखा, 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला, 10 मिनट ऊपर चला सर। अच्छा, इससे रिलेटेड सर, तो आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे इंटरव्यू में, सवालों का जवाब देते थे सर। इंटरव्यू सर नॉर्मल क्वेश्चन देते, आपने सिखाया तो सर तो हमको तो लग रहा था कि जो भी लोग पूछ रहे थे कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई भी इंटरव्यू देके आ रहा था तो नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको पता नहीं है, तो हम उनको बता रहे थे कि इसका आंसर ये होना चाहिए था इंटरव्यू में, लेकिन हमसे तो नॉर्मल क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन करता तो सर कॉन्फिडेंट आप कर दिए थे कि हम आराम से बोल रहे थे, लेकिन बैंकिंग से मेरा ब्रांच का परफॉर्मेंस से ही क्वेश्चन मैक्सिमम किया गया, तो उसी पे सर मैक्सिमम इंटरव्यू रह गया। एक ही क्वेश्चन किया गया था मुझसे, ये व्हाइट लेवल और ये ब्राउन लेवल एटीएम में क्या अंतर, वो तो सर आपने पढ़ाया है तब, इसलिए मैं बोल गया कि दोनों में अंतर क्या था। बहुत बढ़िया, आप तो सर इस तरह और एक नई जिम्मेदारी के तैयार हो रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। दानीनाथ जी आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपको इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे? सर इंटरव्यू में सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि आपका एनपीए लेवल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत डाउन है, मेरा ब्रांच का एनपीए लेवल सर 1% है, तो इतना मतलब कैसे किए हैं। हाँ। तो बताया सर कि 2019 में जब हम ज्वाइन किए थे तो यहाँ पर जो है लगभग 17% एनपीए था, उसको धीरे धीरे करके जो कॉन्टेक्ट बोरोवर से कॉन्टेक्ट करके और बैंक का जो ओटीएस स्कीम होता है, नेशनल लोक अदालत का जो सेटलमेंट स्कीम होता है, वो सबसे रेट करके जो है इसको हम कम किए हैं। तो और दूसरा सर मेरे यहाँ एडवांसेस एडवांस ग्रोथ भी जो है 2 साल में लगभग 4.5 करोड़ एडवांस ग्रोथ हम अकेले किए हैं सर ये। वाह, तो उसमें भी वो पूछे कि इसमें आपका क्या रोल है, तो हम बोले सर इसमें मतलब पूरा तो हम अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि NRLM हाउसिंग लोन जितना भी हुआ है सर सोर्स तो मैंने किया है, और तो फिर बोले कि हाँ NRLM का आपका जो है अच्छा नंबर है, NRLM 232 अकाउंट NRLM फर्स्ट और सेकंड लिंकेज किए हुए थे, तो उसमें बोले कि जो ये आपका अच्छा है। तो उसके बाद फिर जो दूसरे थे तो वो पूछे कि NRLM आप किए हैं अच्छा, तो NRLM किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो हम बोले सर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद फिर बोले कि ठीक है ये अभी एक झारखंड में JSLPS के सहयोग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो SHG को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, उस स्कीम का क्या नाम, तो हमारे से प्लास स्कीम है जो कि झारखंड में वो भी चल रहा है, तो फिर बोले ठीक है। उसके बाद फिर बोले कि तो तीसरे थे वो पूछे कि अभी आपका हाउसिंग लोन का नंबर आप किए हैं पिछले साल 5 सोर्सिंग किए हैं, तो
हाउसिंग लोन अगर आपको दिया जाए करने के लिए, तो हम लोग यहाँ सर एक्चुअली झारखंड में ट्राइबल प्लस एक स्कीम है जिसमें कि नॉन सेलेबल प्लॉट पे भी होता है लोन। ओके। जो सेल डीड ऑफ गिफ्ट होता है सर उसी पे होता है। अच्छा। तो कि अगर ट्रैवल प्लस दिया जाए और होम लोन करने के लिए दिया जाए तो कौन सा आप प्रिफर कीजिएगा? हमले सर दोनों लोन में सर सबसे ज्यादा आपका म्यूट हो गया। धन्यनाथ जी आपका म्यूट हो गया, ऑडियो देखिए जरा। धन्यनाथ जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया। ठीक है, उसके ऊपर चेयरमैन साहब बोले कि ठीक है, अच्छा है, ठीक है, जाइए। काफी अच्छे सवाल पूछे गए आपसे, तथ्यात्मक सवाल पूछे गए और आपने जो काम करके दिखाया होगा उसके बारे में पूछे गए है ना, बारीकी से पूछा गया। तो आपको जब कितने मिनट का इंटरव्यू चला होगा धनीनाथ जी आपका? इंटरव्यू तो 7 मिनट का था मेरा सर। 7 मिनट का चला। ओके, तो बहुत बढ़िया, ये तो आपने बड़ी अच्छी। और अभी हम जानना चाहेंगे, एक प्रिया मैडम भी है शायद यहाँ पर जुड़ी है कि नहीं, देखते हैं। प्रिया मैडम को भी बधाई दे देते हैं, अगर है तो मेरी आवाज पहुंच रही है तो उनको। सर हेलो। हाँ सॉरी सर। हाँ सर, सर तो अच्छा, प्रिया मैडम जी बहुत बहुत बधाई हो आपको आज की सफलता के लिए, आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। आज आप सीनियर मैनेजर हो गए ना आज जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अच्छा लग रहा है, मतलब एक जो भी हुआ है सर आपकी वजह से हुआ है। और हम आपका क्लास जब ज्वाइन किए थे ना सर, तभी मतलब थोड़ा सा लगा कि कुछ जानते हैं, उसके पहले तो बिल्कुल भी लग रहा था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। हम ब्रांच में भी सारे स्टाफ से बोलते रहते थे कि आप लोग कहाँ से मतलब तैयारी कर रहे हैं, कैसे शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ब्रांच में ही एक स्टाफ है सर जो बोले कि एक विजय बंका सर है, उन्हीं से सब लोग जुड़ा है, मैडम आप उनसे जुड़िए आपको पता चल जाएगा। तो 23 मार्च को सर हम आपका क्लास ज्वाइन किए और 10 अप्रैल को हम लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ था, तब मतलब मुझे अच्छा लगा और फिर अच्छा। मतलब सारा आंसर हम दे पाए सर। आप से बात हुई थी जब पहली बार, तो आप काफी थोड़ा मतलब आशंकित थे, बिल्कुल भी लग रहा था कि जी कुछ पता नहीं था, बिल्कुल ABCD भी नहीं मालूम था। मुझे तो लग रहा था कि हिंदी भी पूछा जाता है 2-3 में, और हम हिंदी भी सर आपके क्लास से थोड़ा सा पढ़ लिए थे। जब एग्जाम भेजे तो देखे कि अरे यहाँ तो हिंदी कुछ है ही नहीं, मतलब तो और देख के खुशी हो गया कि चलो एक जरा एक दो वीडियो देख पाए थे और वो भी मतलब पूछा ही नहीं गया, तो अब तो और अच्छी बात हो गई। हिंदी क्या क्लरिकल टू ऑफिसर में ही पूछा जाता है और ज्यादा, तो ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सर। तो आपने फिर कैसे इसको जल्दी से पिकअप कर पाए, क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाया, पढ़ाई करने का क्या तरीका था, आप वीडियो लेक्चर PDF मॉक टेस्ट कैसे कर? मतलब उतना मेरे पास लगा मुझे कि मेरे पास तो कुछ भी टाइम नहीं है और एग्जाम डेट तो बहुत जल्दी आ गया है। और तो इस तरह सर हम पहले वीडियो मतलब पता चला तो भाई आपसे बात किए, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब कुछ मतलब अच्छा हो सकता है, फिर आपका वीडियो देखना शुरू किया सर। उसके बाद सारा वीडियो मतलब पूरा स्पीड फास्ट करके सारा वीडियो लगभग हम देखे हैं सर आपका। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा थोड़ा डाउट था क्योंकि 5-6 दिन में मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है मुझे, मतलब अपने आप में लग रहा था सर कि बहुत अच्छा शायद हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन जो भी मतलब आपका क्लास था सर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम हो या फिर आप हम लोग का बिजनेस फिगर बैंक का फिगर जो बताए वो भी बहुत फायदा हुआ, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आया था TCR वगैरह, तो वो सब मतलब हम इसीलिए शायद क्वालिफाई कर पाए। बहुत बढ़िया, आपका तो सीट्स भी कम थे, आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल करी। तो प्रिया मैडम एक चीज पूछना चाहेंगे हमसे, आपसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में सर सबसे पहले जैसे ही अंदर गए तो बोले हाँ प्रिया आपने काम अच्छा किया है, आपके ब्रांच में काम अच्छा हुआ है। हम बोले जी सर। तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है सर, बोले चेयरमैन सर जो थे। तो फिर हम बोले कि सर 8 साल हो गया, 3 साल इससे पहले ऑफिसर में रह चुके हैं। तो सर बोले कि अच्छा तो BMO और ऑफिसर में क्या डिफरेंस है? हम बोले सर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब थोड़ा ज्यादा होता है। नहीं क्या अच्छा है, BM अच्छा है या ऑफिसर अच्छा है? हम बोले सर ऑब्वियसली BM अच्छा है। बोले क्यों? बोले सर इसमें मतलब अपने प्लानिंग के हिसाब से अपने आइडिया से काम कर पाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तब बोले कि अच्छा, फिर बोले कि तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, जब मैनेजर सीनियर मैनेजर हो जाएगा तो क्रेडिट मैनेजर बनाया जाएगा। तो क्या होता है क्रेडिट मैनेजर? तो हम बोले सर एडवांस करना पड़ेगा। बोले कि अच्छा तो मतलब चलेगा? बोले हाँ सर चलेगा। बोले पोस्टिंग आपकी
गढ़वा दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा। गढ़वा एक रीजन है सर, तो आप बताएंगे सर कि बोलना है कि उस समय नहीं बताना है कि मुझे क्या चाहिए, बस बोलना है कि जहाँ भी दे दीजिएगा चले जाएंगे। तो बस हम वही बोले कि सर मतलब अब हम घर से दूरी है तो कहीं भी दे दिया जाएगा सर, तो बैंक का काम ही ऐसा जाना ही होगा। तो सर बोले कि अच्छा मतलब चलेगा, हम बोले हाँ सर बिल्कुल चलेगा। बोले फैमिली बैलेंस हो जाता है, आप तो एक लेडी ऑफिसर है। तो हम बोले सर हाँ घर में, तो बोले घर में कौन कौन है? बोले मम्मी है और 3 साल की बच्ची है, वो तो मम्मी देख लेती है, और फिर इस तरह हम लोग काम जल्दी जल्दी निपटा के और ब्रांच आ जाते हैं सर। बोले अच्छा मतलब बैलेंस हो जाता है। हम बोले हाँ सर अभी तक बैलेंस हो जा रहा है। तो बोले आगे भी हो जाएगा? हम बोले हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद बोले कि फिर बोले कि बैंक रेट क्या होता है? Okay. तो फिर बैंक रेट बताए, उसके बाद नेट प्रॉफिट बताए सर, नेट प्रॉफिट पूछे। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर, हम नेट एनपीए सर पूछे और हम नेट प्रॉफिट बताने लगे, थोड़े से नर्वस हो गए थे। अच्छा। फिर भी सर हम बोले कि सॉरी सर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, मतलब मेरा इंटरव्यू टाइम 1:30 बजे था, लेकिन 1:30 बजे से 7 बज गया, इंटरव्यू होते 7 बजे रात में मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। तो थोड़े से नर्वस हो गए, अचानक से बुलाए, तो फिर हम बोले कि सर अभी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सर बैंक ये नेट प्रॉफिट। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर क्या था एग्जाम में, तो आप बताए थे ये पूरा जब बिजनेस फिगर बता रहे थे बैंक का, तो पीसीआर क्या होता है कितना है सब आप बताए थे, तो उसी समय हम थोड़ा सा रिटर्न की वजह से पढ़ लिए थे कि हाँ पीसीआर क्या होता है, नहीं तो उससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि पीसीआर जेन्युइन नहीं पता है, और बाकी कुछ स्टाफ है सर उनको भी नहीं पता है शायद कि पीसीआर क्या होता है। उसके बाद वही पीसीआर बोले तो पीसीआर कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से बताए। फिर बोले कि आपके बैंक का पीसीआर कितना है, तो हम बोले कि 70% है, 70.38 था। तो जो दो नाबार्ड के थे सर, तो वो लोग देखने लगे चेयरमैन सर को, तो बोले कि हाँ हाँ सही बता रही है। तो फिर बोले कि अच्छा, उसके बाद फिर कुछ नहीं बोले सर कि ऑल द बेस्ट प्रिया बस। अच्छा, तो बहुत अच्छा, आपने तो आप बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि देखिए इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहां पर कोई भी चला जाता है तो एक नर्वसनेस और एक थोड़ा हेजिटेशन तो रहता ही है, क्योंकि करियर का सवाल है, आगे सफलता है, चुनौतियां हैं, और हमको जो है अपना एक दांव लगा हुआ है, अपना एक इतने साल का जो सर्विस दांव लगा है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक चैलेंजेस है, तो उसकी वजह से एक टेंशन तो रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है बहुत अच्छा जवाब दिया, और जो इंटरव्यू पैनल में जो बोर्ड में बैठे थे मेंबर उनको इम्प्रेस कर पाए, और मुझे लगा बहुत खुश थे सर, मेरा इंटरव्यू हो रहा था ना, मतलब वो लोग खुश थे, तो मुझे लगा कि शायद हम अच्छा मतलब सही उन लोग को लग रहा है, अच्छा लग रहा है। okay. लेकिन फिर जब थोड़ा मतलब जैसे गलत क्वेश्चन आंसर बताए सर, एक तो मुझे डर लग गया और थोड़ा और हम नर्वस हो गए, लेकिन मेरा स्माइल मतलब हमेशा ये था, तो सर लोग भी खुश थे, मतलब देख के अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो मेरे को लग रहा है कि आप बहुत यंगेस्ट हैं अभी, मतलब सीनियर मैनेजर आपके बैंक में, ऐसा अपने रीजन में ही शायद सर हम बहुत मतलब सब लोग से एज में भी कम होंगे शायद। और आपके उत्साह को और आपकी सफलता को जो है हम साधुवाद देते हैं, आपने परिवार के लिए गौरव बढ़ाया और एक बेहतरीन मिसाल कायम किया कि ऐसे ब्रांच मैनेजर आप काम कर रहे हैं, और देखिए आपने उस एग्जामिनेशन में जब आपको पूरा ट्रेंड पता नहीं था, फिर भी कम समय में, मेरे ख्याल से महीना भर के समय में आपने बहुत सारी तैयारियां की और आज सफलता के मुकाम पर हैं, तो हम बधाई देते हैं और आप आने वाली नई जिम्मेदारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। अच्छा, हम साथ में बने रहिए 5 मिनट, फिर उसके बाद में जो आज का छोटा सा एक टॉपिक है उस पर भी सेशन करेंगे हम लोग, लेकिन पहले बात कर लें। स्नेह प्रसाद जी काफी खुश नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना, ये काफी जो है चैलेंजिंग था स्नेह प्रसाद के लिए, क्योंकि एक सीट के लिए आठ आठ साथियों को। तो स्नेह प्रसाद जी, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करी थी, इंटरव्यू में कैसे आप कॉन्फिडेंट हो पाए कि हाँ सामना कर लेंगे, कैसा तैयारी? सर इंटरव्यू के लिए सर मैं देखा हूँ कि कता जो आपने वीडियो रखा है दिया है वो वीडियो सर इनफ है, कि पर्सनल जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए इनफ है, और बाकी तो सर आपने जो बैंकिंग अवेयरनेस जो भी आपने क्लास किया है उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है सर, कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल राय है कि उसमें अगर कोई भी लोग उसका जो क्लासेस है मॉक टेस्ट है अच्छे ढंग से करता है तो उसको मीन्स कहता है 100 में 90-95% एटलीस्ट कहता है वो बैंकिंग अवेयरनेस कर लेगा। दो चार हो सकता है कि उसको डाउट हो बैंकिंग अवेयरनेस में नहीं कर पाए, नहीं तो आराम से कर रहे हैं। हम सर अपना ही बता रहे हैं ना सर, हम मात्र 5 क्वेश्चन ही गलती करके आए हैं,
मात्र उस पूरा बैंकिंग बैलेंस का जो क्वेश्चन था और इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन। जब मैं मॉक टेस्ट भेजता था तो आप स्क्रीनशॉट करके वापस भेजते थे कि सर देखो ये हो गया, बढ़िया पास कर लेते। यस सर आपने जब भी मार्गदर्शन किया सर, मैं उस मॉक टेस्ट जो सुबह सर एकदम सर पूरा फायदा हुआ सर। कितना फायदा दिया वो सर? वो पूरा फायदा दिया क्या सर? वो सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट इसलिए जो रही है क्योंकि सर मॉक टेस्ट ने जो रही सर वो रिवीजन कर देता था कि हाँ कि माइंड में और स्ट्राइक कर देता था। एक तो आप रिवीजन जो मिस करता क्लासेस में कर रहे हैं वो तो माइंड में रह जाता था कि कुछ भी आप अच्छा से बोलते हुए थोड़ा सा आपका स्टाइल शायरी के साथ या फिर कुछ भी तो वो और माइंड में रह जाता था कि अच्छा ये इसका मिस थोड़ा सा दिमाग में आ जाता था। उसके साथ मॉक टेस्ट करने से और भी रिवीजन हो जाता था, प्लस वो मॉक टेस्ट थोड़ा डीपली दिया हुआ तो और अच्छे से उसको कहता उस कन्विंस कर पाते थे। मॉक टेस्ट को वो मैं लिख भी लेता था, नोट्स बना लेता था कि अच्छा इस क्वेश्चन का इससे थोड़ा सा और अगर डीपली आ गया तो क्या हो सकता है। मॉक टेस्ट में दिया हुआ है तो वो सुविधा हमको मिलता था। तो सर हमको ब्रिटेन में बहुत 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 फायदा किया सर। चलो उसके लिए मतलब जितना वर्ड बोला जाए कम से। एक बार मीटअप करेंगे आपके जो अपना वहाँ है ना देवघर, देवघर आएंगे तो मुलाकात। एकदम सर देवघर सर टीम ही है सर। तब आप लोग आसपास हम लोग सब चारों सब देवघर टीम है सर हम लोग। तो फिर ठीक है, हम इधर जिम्मेदारी देते हैं स्नेह प्रसाद को, वो हम मतलब कांटेक्ट कर लेगा हमसे। हम जो अभी सावन वगैरह होगा ना उस समय हम लोग प्लान करेंगे सब। एकदम सर बिल्कुल सर बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, आइए सर। हाँ एकदम सर, एकदम सर। एक एक कमेंट आपसे लास्ट चाहूंगा कि जो दानिना झा से स्टार्ट करते हैं, झा जी आप बताइए कि जनरल बैंकिंग और सारी चीजें तो सब सही है, एक इंटरनल बैंकिंग के लिए हमारे जो साथियों के लिए थोड़ा सा बताइए इंटरनल बैंकिंग में क्या क्या देख लें तो उनका काम बन जाएगा, सफल हो जाएंगे। सर इंटरनल बैंकिंग में जितने खासकर जो 0-1 है उसमें सर ये स्टाफ के केसेस में जितने भी तरीके के सर प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो सर पढ़ने की जरूरत है। दूसरा जितना जो हम लोगों का एनुअल बजट आता है, एनुअल जो परफॉर्मेंस जो करते हैं हम लोग, यानी डिपॉजिट जो है एडवांसेस क्या है ये, तो अभी जैसे सर हम लोग का 0-1 में अभी दो तीन क्वेश्चन आया हुआ था। एक सबसे पहले तो एनपीए आया हुआ था कि एनपीए कितना परसेंट है, तो ये सर बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस फिगर की बात कर रहे हैं ना फिगर सर जी, बिजनेस फिगर जो है तो अगर याद हो तो वो बहुत बहुत बोल रहा था। बहुत बढ़िया दानिनाथ जी। हम प्रिया जी से भी पूछना चाहेंगे, प्रिया जी आप हमारे साथियों को क्या सलाह देंगे कि इंटरनल बैंकिंग जो की पॉलिसी है इंटरनल बैंकिंग से क्या क्या देख के वो चले जाएं पढ़ लें तो उनको सफलता के इस शिखर पर पहुंच सकते हैं? सर इंटरनल बैंकिंग में है जैसे आपका जो भी वीडियो में आपने बताया सर कि बिजनेस फिगर आएगा या फिर जिस तरह का आप बताए एचआर ह्यूमन रिसोर्स से आएगा, तो वो अगर वो देखते हैं ना सर तो पक्का आएगा। अगर आप बोले बिजनेस फिगर से आएगा तो एक बार हम लोग फिगर लास्ट टाइम पे बस आप बताए और देखे सर और वही आ गया दो क्वेश्चन उससे। उसके बाद सर्कुलर है तो इंटरनल जैसे एटीएम भी है सर, तो हम लोग एटीएम के बारे में बहुत नॉर्मल जानते हैं कि हाँ एटीएम ये है कितने घंटे काम करती है, लेकिन उसमें हम लोग से एक कोड टाइप का कुछ पूछा गया, मतलब वो बहुत इंटरनल था तो उस तरह से सर्कुलर से पूछा गया। फिर गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया सर, जो एक्सटर्नल था जो आप भी बताए थे वीडियो में, तो उससे बहुत क्वेश्चन जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से क्वेश्चन आया था इस तरह हुआ था। और सर्कुलर सर जरूरी है, मतलब हाउसिंग लोन सर्कुलर हो गया या बिजनेस फिगर, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप कहने कि कुछ पॉइंट को टच किया हाँ कि जो सर्कुलर है हाउसिंग लोन एजुकेशन लोन गोल्ड लोन केसीसी ये लोन के सर्कुलर को गो थ्रू कर लें और इंटरनल सर्कुलर जो साल भर के हैं उनको भी देख लें हल्का सा, जैसे आपकी स्कीम वाइज देख लें तो वो सवालों का सामना कर लेंगे। जैसे आप बताए थे सर कि उसमें रेट पॉइंट रेट नोट करना है, अमाउंट कितना मैक्सिमम हो सकता है ये नोट करना है, बस ये दो चीज ही पूछता है। जैसे आप बताए बिल्कुल हम उसी तरह तैयारी किए सर, जितना आप बोले मेरे पास टाइम भी नहीं था, जितना बोले हम उतना ही पूरे डायरी पे नोट किए हुए थे और बस उतना ही पढ़ते थे उससे ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद इनके अलावा जो हमारे दोनों साथी बोले हैं इनके अलावा उन्होंने क्या ऐसे तो सर दोनों साथी तो सर कंक्लूड कर ही दिए हैं सर, बट देखा जाए तो वही सर लोन मैनुअल को ही आपका पार्टली देख लेना है कि मिल सकता जैसे आपने बताया था एलिजिबिलिटी ठीक है, उसके
के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और पार्ट को बांट के जितने भी लोन है आपके यहाँ सबको आप लिख लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। वो आपको बनाने में मुश्किल से मुश्किल एक दो तीन घंटे लगेगा, वो चार्ट बन जाएगा तो आपको गो थ्रू करने में दो मिनट भी नहीं लगेगा। आप रोज एक बार पलट कीजिएगा तो आपके यहाँ लोन का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि आपके लोन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप भूल पाइएगा, एक ही हो जाएगा। उसके साथ साथ सर सर्कुलर हो गया, उसके बाद सर जो पिछले साल का जो आपका कहता है बजट हुआ है उसको देख लेना है, ठीक है। बाकी सर जो जो क्वेश्चन है आपने जो जो ये सर बैंकिंग अवेयरनेस किया सर उसी तरह सर्कुलर भी है सर, चाहे वो आपका कहता ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो या फिर आपका केवाईसी हो, तो वो सर तो उसी तरह रहता, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस रहता नहीं है, वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का में ही काउंट हो जा रहा है सर। तो ये सब देखने से इजिली कवर हो जाएगा सर। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा अपने अनुभव को साझा किया, आप जो फील कर रहे हैं अभी उसको साझा किया, और ये जो आप अपने ये तीन साथी स्क्रीन पर और जो राजू रंजन जी थे वहां पर वो साझा किए, तो कहीं ना कहीं ये जो साथी हमारे आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं उनको उत्साह बढ़ाने में मदद आएगा, और ये उनको जो है तैयारी करने में उनको अच्छा लगेगा। जब बैंक में हम काम कर रहे हैं, एक सफलता आपको मिल गई है, सफलता का जश्न भी मनाइए और हफ्ते भर मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नई जिम्मेदारियों के लिए फिर सीखना पड़ेगा दानीनाथ जी, नई जिम्मेदारी है ना, अभी ऑफिसर बन गए, आपका स्किल ऑफिसर का चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस ऑफिसर का चाहिए, आपका नॉलेज लेवल ऑफिसर का चाहिए, आपके बात करने का तौर तरीका ऑफिसर का चाहिए, आपके चलने फिरने का तरीका ऑफिसर जैसा चाहिए, आपका लेखन शैली ऑफिसर जैसा चाहिए, सीखने का जाम जिंदगी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे, मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, आपको जीवन में कभी कठिनाई आए तो एक फोन उठा लीजिएगा, सारी कठिनाई समाधान कर लेंगे और सीख लेंगे, है ना। तो ये मैं सुन रहा था, स्नेह प्रसाद जी बता रहे थे कि सर आप जो रात को सेशन लेते हो ना वो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि सोने से पहले जो पढ़ के जाते हैं वो एकदम याद रहता है ना। और ये देर रात सर एक चीज और बोलना है जी सर, एक चीज सर आपकी बहुत अच्छी है, मतलब जब भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना तो कभी हम लोग किसी सीनियर को या फिर उस तरह कॉल करने में या कुछ पूछने में बहुत हेजिटेशन होता है सर, लेकिन आपके साथ हम लोग को अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सर तो लगता है कि नहीं डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए, और मतलब आपका सपोर्ट सर बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत इजीली बता देते हैं सर सब कुछ। चलिए बहुत, ये तो अच्छा है, थैंक यू सर। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और जीत का सिलसिला और साथ ही साथ ज्ञान का सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपको जाते जाते एक पंचसूत्र बता देता हूँ जो आपके आने वाले जीवन में काम आएगा। पहले अगर अच्छा बैंकर बनना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं, तो पहले पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, अपना नॉलेज को बढ़ाना है, हमेशा लगातार सीखना है, जिसको बोलता है रेगुलर एजुकेशन। दूसरा पावर ऑफ करेज, साहस करना है। आज देखिए, आज स्क्रीन पर प्रिया जी साहस की ना स्क्रीन पर आने के लिए, आज ये स्नेह प्रसाद तो लगातार साहस कर रहा था, दानीनाथ जी भी आज पहली बार आए हैं शायद स्क्रीन पर या एक आध बार पहले आए होंगे, है ना। तो साहस करना, क्योंकि आपको नए चैलेंजेस, नई चुनौतियां, नया ग्राहक आ जाएगा, नए मोड आ जाएंगे, सब में आपको सामना करने का साहस होना। तो पहले पावर ऑफ नॉलेज, दूसरा पावर ऑफ करेज, साहस करना है अपने को। दूसरा पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आपसे, अभी परिचित हूँ तो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो परिचित से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, नए लोगों से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, जो ऋण लिया है एनपीए डिफॉल्टर उससे कैसे कम्युनिकेशन करना है, नए डिपॉजिट मोबिलाइज करना है, ये कला कौशल सीखना है, तो पावर ऑफ कम्युनिकेशन। और अगला है पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ पेशेंस मतलब धीरज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पार्टी के पास गए, प्रिया जी के पास, प्रिया जी एक खाता खोल दीजिए, ऐसा नहीं कि तुरंत खाता खुल जाएगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, एक दो बार मीटिंग करनी पड़ेगी तब जाकर डिपॉजिट मिलेगा, तो पावर ऑफ पेशेंस होना चाहिए। और अगली जो क्वालिटी है वो जबरदस्त क्वालिटी है, वो है पावर ऑफ कोलेब्रेशन। क्या है? पावर ऑफ कोलेब्रेशन। देखो आज हम लोग चार साथी जो हैं यहाँ कोलेब्रेशन में एक साथ स्क्रीन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, एक छोटा छोटा फोन आया आप लोगों का, मैंने कहा कि आप थोड़ा साथ में आ जाइए बात करें, तो ये टीम वर्क होता है, टीम वर्क। तो आज ऐसे 40 मिनट हो गया हमें बात करते, लेकिन पता भी नहीं चला है, आप लोगों को लग रहा होगा कि 10 मिनट हुआ है। तो ये पावर ऑफ कोलेब्रेशन। तो पांच चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ करेज, पावर ऑफ कम्युनिकेशन और पावर ऑफ पेशेंस और पावर ऑफ कोलेब्रेशन। इसको डेवलप करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत दिशा मैंने दे दी है और मेरा साथ हमेशा रहेगा। आप लोग यूं ही जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी ये थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आज जो सेशन है उसमें फिर हम लोग स्टडी करेंगे। 11:10 हम लोग मुलाकात करेंगे। आज पढ़ेंगे DBU, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, एक नया कॉन्सेप्ट आया है बैंक में और इसके बारे में जानने की आपको जरूरत है, जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए और आने वाले बैंकिंग जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई,
बहुत बहुत। अरे अभी हमारे एक साथी आ गए, 2 मिनट इनसे भी लेते हैं। अनीस कुमार जी बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ा आप 2 मिनट में आप अपना जरा बधाई स्वीकार कर लीजिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस साझा कर लीजिए, फिर हम लोग 5 मिनट बाद फिर मुलाकात करेंगे। अनीस जी कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। क्या बात है, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। आज रिजल्ट आया सर और स्केल 1 के लिए मेरा प्रमोशन सेलेक्ट किया गया मुझे। वाह बहुत बढ़िया। इंटरव्यू तो सर कुछ खास नहीं गया था, लेकिन जो मेरे रिटन के एग्जाम नंबर थे वो लगता है कहीं ना कहीं मेरा काम किया है सर। अच्छा। और वो सिर्फ इसीलिए हुआ सर क्योंकि आपका वीडियो देख देख करके जो माइनर डिटेल्स भी जो बैंक में हम लोग काम करने के बाद नहीं मिल पाता था वो आपके वीडियो से प्राप्त हुआ और उसी के द्वारा सर आज ये मुकाम है जो हम हासिल कर पाए सर। क्या बात है, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं मैं। अभी आपको फोन आ रहा था, आप शायद कहीं रास्ते में थे। घर पहुंच जाइए, फिर उसके बाद स्क्रीन पर आइए 2 मिनट। तो आप स्क्रीन पर आए इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, और आपने अपने परिवार के लिए एक सफलता एक खुशी लेके आए हैं, और ये खुशी जो है बहुत मायने रखता है। ये कितना मायने रखता है आपके जीवन के लिए? सर बहुत जरूरी था सर ये। 6-6.5 साल सर्विस का हो चुका था और जिस तरह से काम कर रहे थे अभी तक से सिर्फ और सिर्फ क्लर्कियल में 5 महीने ही क्लर्क में हम कैशियर के रूप में काम किए हैं सर, सिर्फ 5 महीने ये 6.5 साल में। जनरली ऑफिसर्स वाले ही काम कंटिन्यू हमेशा शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन वही है कि वेतन तो क्लर्क वाला ही मिल रहा था। अब है कि जो काम करेंगे वो दिखेगा भी और वेतन भी साथ में मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं सर मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ एक ऑफिसर क्या होता है, एक अच्छा सम्मान, एक अच्छा फीलिंग, और साथ में साथ आप ना आपको सुपरवाइजरी पावर मिल जाता है। सुपरवाइजरी मतलब आप निर्देश दे सकते हैं, आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आप हो सकता है इनमें से आप जो 3 साथी दिख रहे हैं ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे, तो ब्रांच मैनेजर मिल जाएंगे तो जो सुविधाएं हैं उनको सीधे सीधे कार्य निष्पादित करने का जो पावर है आपके पास आएगा। आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि किस बॉरोअर को सही योग्य जो ग्राहक है उसको सेवाएं विस्तारित करना है, उत्पाद देना है, तो ये कला कौशल आएगा और आने वाले दिनों में हम सीखेंगे भी और लगातार सीखेंगे कि कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। ऐसा काम करिए कि उस जगह आपका नाम अमिट हो जाए। जैसे सनी प्रसाद जी हैं, दानी नाथ जी हैं, अनीस जी हैं, हम लोग एक गेट टुगेदर भी करेंगे अभी, जैसा हमारे सनी प्रसाद जी अरेंज करेगा देवघर में, भोले बाबा की कृपा होगी तो बिल्कुल आएंगे और मिलेंगे और एक बढ़िया जश्न भी मनाएंगे, है ना, चाय वगैरह पियेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आज के सेशन के लिए इतना ही, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। 5 मिनट के बाद फिर मुलाकात करेंगे। हाँ जी कुछ बोलना चाहते सर? अब बहुत बहुत आपका सर बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर, और आगे में भी सर जब भी कोई जरूरत हो सर आपको बिल्कुल हमसे तंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये कह रहे थे सर कि अभी तो ये स्केल 1 वाला हो गया सर, JIB CIB सर कंप्लीट करना है सर। करवा देंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी से विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सर। ओके सर, और आपको बहुत 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 थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत नमस्कार, फिर मुलाकात करते हैं। अभी 5 मिनट बाद एक सेशन और है जिसमें छोटा सा 20 मिनट लीजिए, वो मैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में सरल शब्दों में आपको बता दूंगा, है ना। 5 मिनट बाद नया लिंक भेजूंगा मैं आपको।